अल्लाह ने कहा सजदा कर, फसजदू, तमाम तर मलाइकों ने क्या किया, आदम को सजदा किया। इल्ला इबलीस, सिर्फ अबा वस्तकबर, उसने क्या किया, तकब्बुर किया। तभी मासूम फरमाते खुदा दिन में कहता है 5 मरतबा मेरी दरबार में आकर झुक और नमाज पढ़। मौला नमाज का फलसफा क्या है, का नमाज बंदे के तकब्बुर को तोड़ने का नाम है। अगर शैतान बनना नहीं चाहते तो आ परवरदिगार आलम को सजदा कर। और ये मकतबे अहले बैत में मिट्टी पे सजदा क्यों करवाया जाता, और मुस्तहबे नाक के नीचे भी क्या रखो, सजदेगा रखो। अदना तरीन चीज है मिट्टी, इस मिट्टी को सजदा करवाता है, नाक को मिट्टी से रगड़वाता है, ताकि बंदे के वजूद से तकब्बुर खत्म हो जाए। जब तकब्बुर खत्म होता है तो हुकूमत अक्ल के अंदर बंदा दाखिल हो जाता है। कि मासूम ने कहा कि गुनाह तकब्बुर की निशानी है, कि खुदा कहे न कर, बंदा कहे तुझे जो करना है कर, मैं तो गुनाह करूंगा, तो ये किसकी निशानी है, तकब्बुर की। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।